हेलो एवरीवन माय नेम इज़ प्रिंस कुमार आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी टी कॉलेज हिसवा आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस ऑनलाइन वीडियो क्लास सेशन एज रिक्वेस्टेड आई वेल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट सेशन को रिकॉल कर लेते हैं माइक्रोब्स uh, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इनके स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और इस माइक्रोबायोलॉजी टर्म को लोइस पास्टर ने कॉइन किया था इसके बाद हम लोगों ने लेवन हॉक के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके बाद से ही माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई इसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक डिबेट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कस किया था कि कैसे फ़्रांसिस रेडाई स्प्लेंज़ानी ने कैसे इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश की थी और कैसे लुइस पास्टर ने इस डिबेट को इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को अपने सिंपल एक्सपेरिमेंट से कैसे हमेशा हमेशा के लिए सेटल कर दिया कैसे इस थ्योरी को डिबंक किया था लिवन के इस कंट्रीब्यूशन के अलावा भी माइक्रोबायोलॉजी फ़ील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशनस हैं हमने उसको भी कुछ डिस्कस किया था उन्होंने अपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टडीज़ के दौरान ये प्रूव किया था कि अल्कोहलिक uh, फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है इसके अलावा उन्होंने ये भी डेमोस्ट्रेट किया था कि अगर कोई अन्य माइक्रो ऑर्गे माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर आ, अल्कोहल को कंटामिनेट करता है आ, जिसके कारण उसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और वो खराब हो जाता है वो बेकार हो जाता है खट्टा हो जाता है हम लोगों ने उनके पास्चर इफ़ेक्ट को भी डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि फर्मेंटेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है फर्मेंटेशन स्लो डाउन हो जाता है अगर फर्मेंटिंग फ्लूड के ऊपर से एयर को पास किया जाता है इससे उन्होंने कंक्लूड किया था कि कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रह सकते हैं इसके लिए उन्होंने दो टर्म कोइन किया था इसके बाद उन्होंने एक अरोबिक और एनारोबिक अरोबिक उस उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं और एनारोबिक उनके लिए जो ऑक्सीजन के एबसेंस में ज़िंदा रह सकते हैं इसके बाद उन्होंने बीवरेज कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर डेवलप किया जिसको आज हम पास्चराइजेशन कहते हैं इसमें उन्होंने बीवरेज को सिक्सटी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा गर्म करा उसके बाद इसको ठंडा कर दिया जिससे कि मतलब अब ये बीवरेज ख़राब नहीं हो रहे थे अल्कोहल uh, और मिल्क के कंटामिनेशन से उनको आइडिया आया कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंटामिनेट कर सकता है बेबर को कंटामिनेट कर सकता है तो ये एनिमल्स uh, और ह्यूमंस में डिजीज़ भी कॉज कर सकता है इसके बाद उन्होंने प्रपोज़ किया कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन माइक्रोब्स की अपने शरीर में एंट्री को प्रिवेंट करना होगा इसके बाद उन्होंने इन माइक्रोब्स से निजात पाने के लिए तीन तरीका बताया पहला स्टरलाइजेशन बाय हीट दूसरा रेडिएशन और तीसरा डिसइंफेक्शन बाई केमिकल्स स्टरलाइजेशन के लिए उन्होंने ऑल्टो क्लेब और हॉट एयर ओवन को इन्वेंट किया जो आज हम बहुत ही कॉमनली लैब में यूज़ करते हैं इसके अलावा उन्होंने आ, ये कॉटन प्लग कॉटन प्लग के इम्पोर्टेंस को भी बताया कि आ, ये कल्चर मीडिया को एरियल कंटामिनेशन से बचाता है अब आज के लेक्चर में हम लोग उनके वैक्सीन डेवलपमेंट के, के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे इसके अलावा हम लोग कुछ और साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे 1865 में आ, फ्रांस की सिल्क इंडस्ट्री एक अननोन डिजीज से बर्बाद होने की कगार पे आ गई इस पर फिर पास्टर को बुलाया गया इससे पहले उन्होंने सिल्क वर्म को भी हैंडल किया नहीं था बट फिर भी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया जब उन्होंने डिजीज सिल्क वॉम को माइक्रोस्कोप से एग्ज़ामिन किया तो आ, उसमें उनको शाइनी कॉर्पस्क्यूल्स दिखे आ, इसके बाद उन्होंने फीमेल मौत को जो हेल्दी फीमेल मौत थे उनको अलग किया उनको सेपरेट किया उसके बाद उन उसके एग्स को माइक्रोस्कोप से एग्ज़ामिन किया जिन एग्स में उनको ये शाइनी कॉरपस्किल्स दिखे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर पूरे कल्चर को एक फ्रेश और हेल्दी लार्वा से मतलब तैयार किया इस सिंपल प्रोसेस से आ, उन्होंने पूरे सिल्क फ्रांस के सिल्क इंडस्ट्री को सिल्क इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इन्फेक्सिस डिजीज़ के स्टडी को एक डायरेक्शन दिया अब उनका पूरा अटेंशन एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ की ओर था और इसी क्रम में उन्होंने चिकन कॉलरा स्टडीज़ के दौरान नोटिस किया बैक्टीरिया का पुराना कल्चर चिकन में डिजीज़ कॉज नहीं कर पाया उसमें सिर्फ थोड़े माइल्ड सिम्टम्स थे कुछ दिनों बाद जब ये चिकन्स पूरी तरीके से रिकवर हो गए इनको फिर से लेकिन इस बार फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर से इंजेक्ट किया लेकिन इस बार भी इन चिकन्स में डिजीज़ नहीं हुआ इस तरह से पास्चर ने डिस्कवर किया कि वीकेंड वैक्सीन का, का काम कर सकता है जो बिना बीमारी किए शरीर को नेक्स्ट इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इसी तरह के वैक्सीन को आज हम एटीनएट uh, वैक्सीन कहते हैं uh, और जो ये बैक्टीरिया जिससे ये चिकन कॉलरा हो रहा था उसको बाद में पास्चर के नाम पे ही पास्चरेला नाम दिया गया इसके बाद पास्चर ने सोचा एटीनएट वैक्सीन uh, दूसरी बीमारियों में भी काम कर सकता है uh, इसके बाद उनका फोकस था एंथ्रेक्स जो उस समय फ्रांस में एक एपिडेमिक uh, डिज़ीज़ था तब तक रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेसिस को आइसोलेट कर लिया था जिससे बाद में पास्टर ने भी कंफर्म किया था दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रूव किया कि ये एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स कॉज करता है और आगे चलकर यही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बना 1881 में पास्चर ने बैक्टीरिया को वीकन करके एंथ्रेक्स का एटीनटेड वैक्सीन बनाया फिर उन्होंने लार्ज स्केल पे एंथ्रेक्स इम्यूनाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा इसमें उन्होंने ट्वेंटी फाइव शिप्स के दो ग्रुप लिए एक को उन्होंने बारह दिन के इंटरवल पे दो वैक्सीन का डोज दिया और दूसरे को उन्होंने मतलब कोई वैक्सीनेट नहीं किया इसके बाद उन्होंने सारे शिप्स को लाइव एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया कुछ दिनों के बाद जितने इम्यूनाइज शिप्स थे जिसको वैक्सीन दिया हुआ था वो सारे सर्वाइव करके बाद बाकी जो नॉन वैक्सीनेटेड कंट्रोल शिप्स थे वो सारी डेथ हो गई इससे इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल था एंथ्रेक्स का वैक्सीन डेवलप करने के बाद उन्होंने रेबीज़ का वैक्सीन डेवलप करने का सोचा जो उस समय एक काफ़ी ड्रेडफुल डिजीज़ कहा जाता था माना जाता था उन्होंने वापस से अज्यूम किया कि जो पॉजिटिव एजेंट है रेबीज़ का वो बैक्टीरिया है जो कि बाद में पता चला कि वो वायरस था अब चूंकि वो वायरस था वो इतना छोटा था कि पास्टर के माइक्रोस्कोप से दिखा नहीं देखा नहीं जा सकता था इस कारण उनको आ, मतलब पूरी तरीके से नए मेथड्स डेवलप करना पड़ा जिससे कि वो आ, इन कॉजेटिव एजेंट्स को वो आइसोलेट कर पाए उन्होंने रैबिट में आ, सीरियल इंट्रा सरेबरल पसाजिंग करके आ, फाइनली आ, इस रैबिस के कॉजेटिव एजेंट को आइसोलेट कर लिया उसके बाद उसको एटीन्यूट करने के लिए रैबिट के स्पाइनल कोड को ड्राई किया जब तक कि वो आ, मतलब पॉजिटिव एजेंट एकदम से नॉन वेरोलेंट ना हो जाए बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनका प्रोसीजर था एटोनेट करने का जो प्रोसीजर था उसने उस पॉजिटिव एजेंट को एटोनेट करने की जगह से न्यूट्रलाइज कर दिया है इस तरीके से उन्होंने दूसरी तरह का वैक्सीन डेवलप किया जिसे आज हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं इसके बाद उन्होंने 6 जुलाई अठारह में एक 9 साल के लड़के जिसको कि रैबिस था जिसको एक कुत्ते ने काट लिया था उसको मतलब वैक्सीनेट किया इस वैक्सीनेशन के बाद उस लड़के ने जिसका नाम जोसेफ़ मीस्टर था उसने रेबीज़ का कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं किया बाद में उसने वो सरवाइव किया इस तरीके से ये वैक्सीन ने इस मेडिसिन के फील्ड में एक इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था एक जनरल नोशन ये है कि वैक्सीन की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की ये सही है लेकिन कुछ लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं एडवर्ड जेनर से एडवर्ड जेनर ने बेसिकली वैक्सीनेशन डिस्कवर किया था उसने नोटिस किया था कि जो काउ पॉक्स होते हैं काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में क्रॉस इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लेकिन उन्होंने कोई एज सच वैक्सीन डिस्कवर नहीं किया था वैक्सीन की डिस्कवरी लुइस पास्टर ने की थी तो इस तरीके से एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन डिस्कवर किया था और लुइस पास्टर ने वैक्सीन डिस्कवर किया था लूइस uh, पास्टर ने एडवर्ड uh, जेनर को ऑनर करने के लिए ये वैक्सीन टर्म दिया वैक्सीन वाका मीन काऊ तो इस आ, इस तरीके से हमने देखा लुइस पास्टर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में आ, आज के लिए बस इतना ही अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी नेक्स्ट क्लास में हम लोग uh, कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग